नमस्कार, आप देख रहे हैं किसानों का विश्वसनीय और पसंदीदा YouTube चैनल हरियाणा डेयरी फार्मिंग। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं साथियों। एक रिक्वेस्ट सबसे पहले करने जा रहा हूं मैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आज तीन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। नंबर एक है कि किस प्रकार से सरसों किसानों की आस बनी ग्वार के बाद, और किस प्रकार से सरसों के ऊपर टिकी है किसान की नज़र। दो और तीसरा होगा प्रत्येक मंडियों के आज के रेट भाव क्या रहे हैं और आगामी क्या रहने वाले हैं। शायद वो दोनों चीज़ें आपको बताई जाएगी। ज़रूरी ये है कि आप वीडियो को बिना बिल्कुल भी स्किप किए वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। आज टॉपिक वाइज टॉपिक बात करने जा रहे हैं, और जिस जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक का बटन दबाएं, लाइक जो थंबनेल आपको दिया हुआ है साइड में, और लाइक करें। कमेंट में आप अपनी जहां जहां आप रहते हैं, आपकी जो अनाज मंडी है वहां के सरसों के रेट आज क्या रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखेंगे, ताकि जो भी आपके साथी जहां जहां से भी देख रहे हैं उनको पता चले। कॉमेंट से ज़्यादातर लोग देखते हैं कि सरसों के रेट क्या रहे हैं। कॉमेंट में बहुत से लोग कमेंट पढ़ते हैं, उनको इस चीज़ का पता चल जाएगा। आपके कमेंट से बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक मदद मिलेगी जानकारी में। और एक चीज़ और कि चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे जुड़ी हुई हर एक खबर इस चैनल पे सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से किसान की सरसों पर नज़र टिकी हुई है। जैसे किसान जो है, पहले मैंने हर एक वीडियो में आपको बताया है, किसान एक आशावादी है, हमेशा उम्मीद के किरण के साथ, उम्मीद के साथ जीता है। और आस उसकी ये है कि अब की बार जो इस टाइम फसलों के हालात बने हैं, बम्पर बारिश हुई है, और बारिश की वजह से यूँ समझो कि किसानों का नुकसान जो हुआ है ग्वार की फसल का, नरमे की फसल का, लेकिन उस नुकसान को झेलते हुए किसान हमेशा आगे बढ़ने की सोचता है। और किसान ने अब अपनी जो उम्मीद है, एक आस है, वो सरसों पर लगा ली आगामी खेती के लिए भी, कि बहुत जल्द हम सरसों बेचें और जो सरसों की खेती रहेगी आगामी वो बहुत ही अच्छी और बम्पर रहने वाली है, क्योंकि बारिश से इस वक्त जो हुई थी वो बहुत ही अच्छी रही है। और दूसरी, आज मैंने बताया कि किस प्रकार से ग्वार के बाद, जैसे ग्वार के रेट लगातार बम्पर रेट बढ़े और उसके बाद एकदम से ग्वार के रेट ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन उसी प्रकार से उसी तर्ज के ऊपर सरसों के रेट जो है वो इंक्रीज हुए हैं पिछले दो तीन दिनों में, लगातार 5,000, 4,000, 5,000 के बाद आज किस रेट पे आप पहुँचिए सरसों, उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट हम आपको देने जा रहे हैं। साथियों, जिस साथी से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल हम मोनेटाइज के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए, और अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी कि चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया, और हमारा जो एक कोड आता है US अमेरिका से कोड आ गया है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में, जितने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप आपके हैं उनमें सेंड कर दीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में आप लिखेंगे जो मैंने आपको बताया था। आज के जो सरसों के रेट रहे हैं वो है आदमपुर मंडी के रेट, हाइजेस्ट रेट सरसों के, आप सरसों आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो, और हाइजेस्ट रिपोर्ट आदमपुर एशिया की सबसे बड़ी कपास मंडी और मशहूर अनाज मंडी, ग्वार मंडी इसको कह सकते हैं आप, और यहाँ सरसों के जो रेट रहे हैं वो है 8,000 रुपये। सरसों के रेट 8,000 रुपये रहे हैं यहाँ, और यहाँ भादरा जो नज़दीक में 35 से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, राजस्थान से सटा हुआ, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर हैं, यहाँ के जो रेट रहे हैं वो आज हो रहे हैं 7200 रुपये से लेकर के 7700 रुपये के बीच। और इधर आप डबवाली फतेहाबाद सिरसा की बात करें, तो लगभग 7200 से लेकर के 7700 रुपये तक रेट रहे हैं, 7400 75।